हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं प्रवीण आप सभी का एजू फॉर टेक में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज लेक्चर नंबर 15 है। इसका मतलब है कि ऑलरेडी 14 लेक्चर्स अपलोडेड हो चुके हैं। तो जिन फ्रेंड्स ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं उनको जरूर देखें ताकि आप प्रॉपर एक सिक्वेंस मेंटेन कर सकें और अपने नोट्स को आप मेंटेन करते रहें, ठीक है। और बाकी दिस इज ऑल अबाउट मी, एमटेक पास आउट हूँ 2017 का स्लाइट लोंगोवाल से। तीन बार गेट क्वालिफाई किया है, आरआरबी एएलपी एग्जाम और एसएससी सीएचएसएल भी इवन मैंने क्रैक किया है। और बात करूं टीचिंग एक्सपीरियंस की, तो मैं लगभग 3 साल से ज्यादा हो गया है इस कंपटीशन लाइन को मैं टीच करता हूं अपने ऑफलाइन बैचेस पे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो एजू फॉर टेक आप इस चैनल से जोड़ सकते हैं। चाहे तो आप बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, वहां पे भी आप क्लिक करके हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, तो आपको जिस लेक्चर की भी पीडीएफ चाहिए आप वहां पे उस लेक्चर के कम से कम, हमारा जो टारगेट रखा है टीम ने 100 लाइक्स का, तो 100 लाइक्स का अगर आप हमारे वीडियो पे लाइक करते हो तो आपको पीडीएफ अवेलेबल होगी। अदरवाइज आपके पास मटेरियल ऑनलाइन तो अवेलेबल है, चाहे तो आप खुद लिख के भी अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स शेयर जरूर करते रहिए, जो हमारी मेहनत है, ठीक है, यही हमारी मेहनत है। और आप जब शेयर करोगे, लाइक करोगे, उसी से हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोगों को चीजें पसंद आ रही हैं और हम और अच्छे से उस पर वर्क कर सके, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे, हमारा जो चल रहा था उसी के कंटिन्यूएशन में बात करेंगे कि हमने स्टेपर मोटर देखा था और वहां पे हम क्या कर रहे थे, एनर्जी मतलब क्या कर रहे थे, वहां पे हम लोग अलग अलग मेथड से अपनी मोटर्स को चला रहे थे। तो हमने स्टार्टिंग में देखा, जब हमने स्टार्टिंग में बात की तो सबसे पहले मैंने जो देखा एनर्जी मेथड वो क्या था कि मैं एक टाइम पे एक ही फेज पहले ऑन कर रहा था, ठीक है। तो एक टाइम पे एक ही फेज ऑन कर रहा था, तो आपने उस टाइम पे देखा था कि हमारे पास जो फुल स्केल कह सकता हूँ, जो हमारे पास फुल स्केल जो हमारे पास आया था वो कितना था उस टाइम पे, 90 डिग्री था। तो थीटा हमारे पास कितना था, फुल स्केल रोटेशन कितना था, 90 डिग्री था। उसके बाद क्या हुआ हमारे पास, जब मैंने क्या किया यहाँ पे टू फेज लिया, जब हमने टू फेज लिया मतलब क्या है कि जब हम क्या कर रहे हैं, दो फेज को एक साथ चला रहे थे, तो उस टाइम पे हमारे पास जो कह सकता हूँ जो स्टेप आ रहा था वो क्या हो रहा था, वो हाफ हो जा रहा था, ठीक है। तो उस टाइम पे स्टेप क्या हो रहा था, हाफ हो जा रहा था। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा और आगे डिस्कशन किया था, ठीक है, जब मैंने आपको परमानेंट मैग्नेट पढ़ाया था तो उसमें एक केस बताया था जहां पे हम लोगों ने एक फेज और दो फेज को अल्टरनेटली हम लोगों ने क्या किया था, वेरी कराया था, मतलब इस तरीके से हमने एनर्जाइज एनर्जी प्रोवाइड कराई थी। और जिस वजह से क्या हो रहा था वहां पे हमारे पास क्या हो रहा था, 45 डिग्री का स्टेप एंगल से हमारे पास ये जो मोटर थी रोटेट कर रही थी। अब हमारे पास एक और टर्म कभी एग्जाम में पूछ ले तो वो होती है माइक्रो स्टेपिंग। तो माइक्रो स्टेपिंग में हम लोग क्या करते हैं, देखो माइक्रो स्टेपिंग में क्या होता है, हमारे पास जैसे हमारे पास क्या है, भी दो पोल्स हैं, ठीक है, एक मेरे पास ए है और एक मेरे पास बी है, ठीक है, मतलब पोल्स मतलब सॉरी फेजेस है, ठीक है, दो फेजेस है मेरे पास, एक ए फेज है, एक मेरे पास क्या है, बी फेज है। तो क्या करूंगा मैं, जो मेरा पास सपोज करो ये जो मेरे पास जो पहला फेज है, ठीक है, जो फेज ए है, इसको मैंने क्या कर दिया, मैक्सिमम पोजीशन पे इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो मैंने क्या कर दिया, इसको मैक्सिमम पोजीशन पे रख दिया, ठीक है, कैप डेट, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसको मैक्सिमम पोजीशन थी वो क्या कर दिया हमने, मैक्सिमम पोजीशन पे इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा इस बी को क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा, तो इंक्रीज इन स्टेप, तो धीरे धीरे मैं इसको स्टेप्स में इंक्रीज करूंगा। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे ये स्टेप्स में मूव करती जाएगी मेरे पास, तो एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे क्या होगा, बी मैक्सिमम पहुंच चुका होगा, तो बी रीचेस मैक्सिमम वैल्यू। तो जैसे ही मैक्सिमम पहुंचेगा तो अब बी भी मैक्सिमम, ए भी मैक्सिमम, तो एक साथ दो मैक्सिमम नहीं हो सकते। अब जैसे ही बी मैक्सिमम पहुंचा तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये जो ए है, ये जो ए मैक्सिमम पे रखा था, अब इसको हम क्या करने लग जाएंगे, रिड्यूस करने लग जाएंगे स्टेप्स में, देन वी विल, अच्छा लिख देते हैं, देन वी स्टार्ट रिड्यूसिंग इन स्टेप्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, माइक्रो स्टेपिंग कहलाता है कि एक
एक टाइम पे एक फेस को मैंने मैक्सिमम पॉसिबल मतलब मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है और बी वाले को मैं क्या कर रहा हूँ इंक्रीज कर रहा हूँ स्टेप में। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं स्टेप्स बढ़ाते जाऊंगा बी के, तो एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे बी के हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, और जैसे ही बी मैक्सिमम होगा तो वो जो फेस है हमारे पास जो मैक्सिमम पहले से था उसको अब क्या करेंगे उसको स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, उसको रिड्यूस करना शुरू कर देंगे, और इस तरीके से हमारे पास ये स्टेपिंग क्या होती रहेगी वर्क करती है। तो इस तरीके से हमारे पास ये माइक्रो स्टेपिंग का फंडा होता है। उसके बाद हमें देखना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये कह सकता हूँ इंपॉर्टेंट है, इससे काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास कुछ टर्म्स आएंगी रिलेटेड विद मोटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व बना रहे हैं हम लोग स्टेपर मोटर का। तो बेसिकली क्या है ये हमारे पास टॉर्क वर्सेस कह सकता हूँ हमारे पास जो स्पीड है, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे स्पीड ऑफ किसकी है, स्पीड ऑफ मोटर रोटर की है, ठीक है, स्पीड ऑफ रोटर, ठीक है। तो स्पीड ऑफ रोटर है मतलब क्या है कि यहाँ पे स्पीड ऑफ रोटर की इसमें चल रही है हमारे पास स्टेप पर सेकंड में, मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारे पास जो स्टेपर मोटर में जो स्पीड होती है वो जो होती है वो स्टेप में चलता है, तो हर सेकंड में कितना स्टेप कवर कर रहा है तो वो हमारे पास क्योंकि उसकी स्पीड हो गई, आप उसको एंगुलर स्पीड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर्व बनाने वाले हैं टॉर्क वर्सेस स्पीड पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा इस तरीके से कर्व बनेगा। अब कर्व क्या आएगा कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है, ये कर्व फॉलो करेगा। तो ये जो कर्व आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं, और यहां पे देखो ये हमारे पास क्या है टॉर्क, ठीक है, इसको मैंने टी से डिनोट कर रखा है, और ये हमारे पास क्या है ये स्पीड है, स्पीड है, आप चाहें तो इसको ओमेगा से दिखा सकते हो, ठीक है। और जो कुछ नहीं है मेरे पास इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं स्टेप पर सेकंड, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं स्टेप पर सेकंड भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो कर्व मिला तो यहाँ पे देख रहे हो क्या कि स्टार्टिंग में जब स्पीड नहीं थी तो उस टाइम पे जो करंट फ्लो हो रहा था तो उस करंट को हम लोग बोलते हैं रेटेड करंट। अगर आपने वेल्डिंग पढ़ी होगी तो वेल्डिंग में भी हमारे पास ये रेटेड करंट आता है कि जब हमारे पास क्या होता है कोई भी लोड वगैरह नहीं आता है तो उस टाइम पे जो करंट फ्लो हो रहा होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं रेटेड करंट। तो रेटेड करंट के टाइम पे हमारे पास क्या होगा जो टॉर्क होगा उस टाइम पे मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे देखो जो टॉर्क मिल रहा है मुझे मैक्सिमम टॉर्क एट रेटेड करंट। तो जैसे ही मैंने इसको करंट को मतलब रेटेड करंट जब प्रोवाइड कराया तो उस टाइम पे क्या होगा हमारे पास जो टॉर्क आ रहा होगा मैक्सिमम आ रहा होगा, ठीक है। तो मेरे पास पोजीशन क्या है, जीरो पोजीशन है, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है आप देख रहे हो क्या, जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ स्पीड को इंक्रीज कर रहा हूँ, मतलब जैसे जैसे मेरे पास क्या हो रहा है ये जो शाफ्ट है, ठीक है, जब ये एनर्जी होगी तो क्या होगी रोटर मेरी रोटेट करेगी, जब ये रोटर मेरी रोटेट कर रही होगी तो उस टाइम पे जो टॉर्क है उसकी वैल्यू क्या हो रही है यहाँ से रिड्यूस होती जा रही है, देख लो रिड्यूस होती जा रही है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास में ये पॉइंट यहां पे लिख सकता हूं कि बाय इंक्रीजिंग द टॉर्क टॉर्क वैल्यू डिक्रीजेस, ठीक है, एट अ टाइम फॉर विच कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो करंट की वैल्यू होगी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि बाय इंक्रीजिंग द स्पीड द टॉर्क वैल्यू डिक्रीजेस होगी। तो इस टाइम पे ये जो कर्व आपको दिख रहा है, इस टाइम पे ये जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है तो इस कर्व को हम लोग बोलते हैं पुल इन कर्व, इस कर्व को हम लोग बोलते हैं पुल इन कर्व। कैसे बोले, क्या बोल, क्यों बोलेंगे भी देखते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, मैं क्या करता हूं एक कर्व और बनाता हूं, ठीक है, एक कर्व और बन गया। तो अंदर वाला जो कर्व है इसको हम लोग बोलते हैं पुल इन कर्व, और ये जो बाहर वाला कर्व है इसको हम लोग बोलते हैं पुल आउट
अंदर वाला हो गया पुल इन कर्व और बाहर वाला हो गया पुल आउट कर्व, ठीक है। तो ये जो आपको एक शेडेड रीजन दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको जो रीजन दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लू रेंज, इसको हम लोग बोलते हैं स्लू रेंज। तो स्लू रेंज क्या है, स्लू रेंज क्या है कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक वो रेंज है, एक वो रेंज है जब हमारे पास जो स्पीड होगी, जब हमारे पास जो स्पीड अगर इस स्लू रेंज के अंदर आती है तो उस टाइम पे जो मोटर मेरी रोटेट कर रही है उसको रोकना, उसको स्टॉप करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो उस टाइम पे कह सकता हूं कि अगर इस रेंज के अंदर मेरे पास स्पीड है और अगर मैं चाहूं कि इस टाइम पे रोटर को स्टॉप कर दूं तो वो हमारे लिए क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। उस टाइम पे मोटर को रोकना हमारे लिए क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इस स्लू रेंज के बारे में, स्लू रेंज में लिख सकता हूं इफ मोटर is in slew range condition, then it is impossible to stop the motor। तो आप भाई इस टाइम पे मोटर को स्टॉप नहीं कर पाओगे, तो इस रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ल्यू रेंज बोलते हैं, ठीक है। इस रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ल्यू रेंज बोलते हैं। तो अब मैं कह सकता हूं कि पुल इन कर्व क्या है, पुल इन कर्व मेरे पास एक है जो इस स्ल्यू रेंज के अंदर वाला कर्व है, जो इस स्ल्यू रेंज के अंदर वाला कर्व है, तो इसको मैंने क्या बोला है, पुल इन कर्व बोला है। तो इसका मतलब ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा रीजन है, इससे बना लेते हैं। तो देखो ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन, तो इस रीजन को हम लोग बोलते हैं, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं स्टार्ट स्टॉप रीजन। इस रीजन को क्या बोलते हैं, स्टार्ट स्टॉप रीजन। ठीक है, तो हम क्या चाहेंगे, हम ये चाहेंगे कि जो हमारी मोटर है वो इस स्लू रेंज के अंदर ना जाए, क्योंकि अगर इस स्लू रेंज के अंदर चली गई है तो अगर आप चाहो कि उस टाइम पे मैं मोटर को रोक दूं तो उस टाइम पे क्या होगा, मोटर हमारे हमारे मतलब कंट्रोल में नहीं होगी और उस टाइम पे क्या हो जाएगी, हमारे पास कह सकता हूं कि रोटर को नहीं घुमा पाएंगे, मतलब रोक नहीं पाएंगे। और जैसे ही ये पुल आउट करके बाहर चली जाएगी तो पुल आउट के बाहर जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्विंग मोड। क्या बोलते हैं इसको, स्विंग मोड। तो स्लोइंग मोड कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे तो मोटर रुकेगी नहीं और हमारी जो मोटर होगी वो फेल हो जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, स्लू रेंज पे मोड पे पहुंचने के बाद हमारी जो मोटर है वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। यहाँ पे कह सकता हूं वी आर नॉट एबल टू स्टॉप मोटर एंड दस फेल। तो ये क्या हो जाएगी, यहां पे पहुंचकर फेल हो जाएगी, ठीक है। यहां पे पहुंचकर क्या हो जाएगी, यहां पे हमारे पास ये फेल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कह सकता हूं कि स्लिंग मोड पे तो मतलब क्या है, सत्यानाश हो जाएगा, वो बिल्कुल खराब बेकार होगी। तो हमारी जो कोशिश रहेगी कि इस पुल इन कर्व के अंदर ही अपनी मोटर को ऑपरेट कराए, इस पुल इन कर्व के अंदर को ही ऑपरेट कराए। तो यहाँ पे आपको ये दो पॉइंट दिख रहे हैं। तो मेरे पास जो फर्स्ट पॉइंट है, तो ये हमारे पास क्या है, ये मैक्सिमम स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी है। तो मैं इस पॉइंट को बोलता हूं मैक्सिमम स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब इतनी जो फ्रीक्वेंसी है ये मेरे पास क्या है, मैक्सिमम रहेगी। और ये मेरे पास जो पॉइंट आपको दिख रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम रनिंग फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम रनिंग, मैक्सिमम रनिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस टाइम पे जो रनिंग होगी यहाँ पे तो मैक्सिमम से कर रहा होगा, ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम स्टार्टिंग
फ्रीक्वेंसी है। तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे होंगे, हम लोग जो चाहेंगे कि मैक्सिमम रनिंग फ्रीक्वेंसी से, मैक्सिमम स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी से, मतलब इसके अंदर होना चाहिए, मतलब इतनी स्पीड रिड्यूस कर दूं, इतनी फ्रीक्वेंसी इसकी रिड्यूस कर दूं कि हमारे पास क्या हो जाए, मैक्सिमम रनिंग फ्रीक्वेंसी पॉइंट से पहुंच के मैक्सिमम स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी पॉइंट पे पहुंच जाए, और उसके अंदर क्या रहेगी, हमारे पास जो मोटर है वो हमारे कंट्रोल में रहेगी और हमारे पास क्या रहेगा, बिल्कुल सेफ हमें यहाँ पे चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारी सारी चीजें सेफ रहने वाली हैं। ठीक, अब हमारे पास क्या आता है, एक इंपॉर्टेंट टर्म और आती है, एक इंपॉर्टेंट टर्म और आती है जिसको हम लोग बोलते हैं, कभी कभी सुनने में आया होगा आपके पास, डिटेंट टॉर्क के बारे में। ठीक है, डिटेंट टॉर्क के बारे में भी आपने सुना होगा। तो डिटेंट टॉर्क क्या होता है हमारे पास, जब हमारे पास क्या होती है, जब हमने पढ़ा कि परमानेंट मैग्नेट होती है हमारे पास, ठीक है, या हमारे पास हाइब्रिड होती है, तो दोनों में क्या होता है, हमारे पास जो मैग्नेट होती है वो मैग्नेट यूज करते हैं, और उस मैग्नेट की वजह से क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, मैग्नेट की होने की वजह से क्या होता है, वो उसी के अंदर इनहेरेंटली क्या होती है, उसी में प्रेजेंट रहती है। तो इसका जब हम क्या करते हैं, जब हम यदि इनहेरेंटली क्या होंगी, उसके अंदर प्रेजेंट होंगी, तो वो क्या करेगी, वो रोटेशन को अपोज करेगी, वो क्या करेगी, रोटेशन को अपोज करेगी। तो जब मेरे पास क्या होगी, हाई स्पीड होगी, जिस टाइम पे हमारे पास जो स्पीड होगी हाई होगी, तो उस टाइम पे जो डेटम टॉर्क होगा वो भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड्स है उस मैग्नेट की वजह से काफी ज्यादा कह सकता हूँ उसके अंदर आ चुकी होंगी। तो उसका काम क्या है, उसका काम यह है कि ये जो रोटेशन हो रहा है मेरे पास रोटर का, उसको अपोज करेगा। तो जैसे ही आप क्या करोगे, स्पीड बढ़ाओगे, तो स्पीड बढ़ाने से आप क्या करोगे, उसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे। तो जब वो हमारे पास जो कॉइल्स होंगी एनर्जाइज्ड होंगी, तो मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो भी ज्यादा हो जाएंगी। तो उस टाइम पे क्या होगा, ये डेटेंट टॉर्क की जो वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। कब, जब हाई स्पीड होगी। तो हम क्या मतलब इसका यूज कहां कर सकता हूँ, इसका मैं यूज कर सकता हूँ क्या, जब मुझे क्या करना है हाई स्पीड पे, ठीक है, जब हमें क्या करनी है, अपनी मोटर को रोकना है, जब हमें अपनी मोटर को स्टॉप करना है, तो हम क्या करेंगे, डिटेंट टॉर्क की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब सडन मतलब कह सकता हूँ कि आपको क्या हुआ, अचानक से आपको अचानक से लगा कि मुझे अब इस रोटर को रोकना है, तो मैं रोटर को कैसे रोकूंगा, मैं क्या करूंगा, ये डिटेंट टॉर्क है करेगा, हेल्प करेगा आपके पास उस टाइम पे इसको रोकने का, रोकने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे इसके बारे में लिखना चाहूं, तो मैं लिख सकता हूं इन परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर एंड हाइब्रिड स्टेपर मोटर The rotor is of permanent magnet and due to this rotor inherently due to this magnetic fields due to this magnetic fields inherently present in it so during rotation of shaft this inherent property opposes the rotation of shaft
opposes the rotation of shaft as the speed of rotor increases, as the speed of rotor increases, the retained torque will be high. So whenever we need to suddenly stop the motor at high speed, this retained torque will help in stopping the ठीक है तो ये रिटेंट टॉर्क के बारे में तो आप इतना पढ़ लोगे तो इतना जानना सफिशिएंट है ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है, आज जो हम पढ़ने वाले थे वो सर्वो मोटर के बारे में पढ़ने वाले थे ठीक है। तो सर्वो मोटर के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो सर्वो मोटर क्या है, देखो इससे क्वेश्चन हमारा नहीं आता ठीक है, मतलब अब तक तो क्वेश्चन इससे सर्वो मोटर से नहीं बना है, तो इतना हमारे एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे कुछ बातें जाननी जरूरी हैं। जैसे हमारे पास ये सर्वो मोटर है तो इसमें दिख रहा है आपको क्या है कि एक क्लोज लूप सर्वो मोटर है, मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होगा आपके पास फीडबैक लूप आपको दिखाई दे रहा है। जैसे हमने स्टेपर मोटर में देखा तो वहां पे कोई भी फीडबैक लूप वगैरह नहीं मिलता था। फीडबैक क्यों मिलता है कि कुछ करेक्शन के लिए करने के लिए तो हमें फीडबैक की रिक्वायरमेंट होती है, तो स्टेपर मोटर में हमारे पास फीडबैक लूप नहीं था जिस वजह से वो हमारे पास एक तरीके से ओपन लूप सिस्टम था। क्या था हमारे पास? ओपन लूप सिस्टम था, लेकिन सर्वो मोटर हमारे पास क्लोज लूप कह सकता हूँ सिस्टम है ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास स्पेशल इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल डिवाइसेस होते हैं जो क्या करते हैं कुछ प्रिसाइज डिग्री ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस करते हैं ठीक है। तो पहली बात आपको क्या जाननी है, पहली बात आपको ये जाननी है कि यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास कुछ स्पेशल इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल डिवाइसेस होते हैं जो क्या करते हैं प्रिसाइज डिग्री ऑफ रोटेशन प्रोवाइड करते हैं। और ये हमारे पास क्या हो सकती है, देखो एसी डीसी हो सकती है, एसी हो सकती है, ब्रशलेट डीसी मोटर हो सकती है ठीक है, या इनके साथ क्या हो सकता है सेंसिंग डिवाइस भी आपके पास प्रेजेंट रहेगा जो आपको क्या करेगा फीडबैक देगा। सर्वो मोटर्स को हम लोग कंट्रोल मोटर्स के रूप में भी बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है मैकेनिकल सिस्टम की क्या होती है कंट्रोलिंग होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि क्लोज्ड लूप सर्वो सिस्टम होते हैं ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास जो भी फीडबैक आएगा वो कहाँ पे पहुंचेगा, इस एरर डिटेक्टर पे पहुंचेगा, और एरर डिटेक्टर किसको भेजेगा, एम्पलीफायर को भेजेगा। तो एम्पलीफायर क्या करेगा यहाँ से जो सर्वो मोटर की जो सर्वो मोटर की स्पीड है उसको कंट्रोल करेगा ठीक है। और क्या होगा यहाँ से आपके पास फर्दर क्या होगा आउटपुट मिलता रहेगा। तो इस तरीके से ये फीडबैक लूप सिस्टम काम करता है। और फीडबैक सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं मशीन पे मतलब माउंट करते हैं ठीक है, जो क्या हो सकता है हमारे पास एनकोडर या रिजॉल्वर जो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। फिर क्या होगा, इस वजह से क्या होगा जो डिवाइस है मेरे पास यहाँ पे मैकेनिकल मोशन उसका बदलेगा और किसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और फीडबैक हमें मिलेगा। फिर क्या होगा हमारे पास ये जो फीडबैक मिला है ये एरर डिटेक्टर पे सेंड होगा जहाँ पे क्या होगा कंपैरिजन होगा हमारे पास एक्चुअल ऑपरेशन और जो मेरे पास अभी जो रेफरेंस इनपुट है, तो एक्चुअली कितना है और जो रेफरेंस हमारे पास इनपुट है उनमें आपस में क्या होगा यहाँ पे कंपैरिजन होगा ठीक है। अगर यहाँ पे कोई एरर आती है, तो वो डायरेक्टली किसको भेज देगा, एम्पलीफायर को भेज देगा। और एम्पलीफायर क्या करेगा, जो भी नेसेसरी करेक्शंस हैं वो क्या करेगा, करेक्शन यहाँ पे परफॉर्म करेगा ठीक है। और इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारे पास है इस तरीके से हमारे पास चीजें मॉनिटर्ड होती हैं सर्वो मोटर में। तो सर्वो सिस्टम में क्या होता है वेलोसिटी और पोजीशन दोनों को हम मॉनिटर
कर सकते हैं। और सर्वो मोटर में क्या अच्छी बात है कि यहाँ पे एक्यूरेट स्पीड होती है, टॉर्क होता है और डायरेक्शन कंट्रोल की एबिलिटी भी होती है। तो सर्वो मोटर के लिए इतनी सारी जानकारी आपके लिए वेल सफिशिएंट है, ठीक है। तो इतनी जानकारी आप रख लोगे तो आपका काम बन जाएगा एग्जाम के लिए। बाकी क्वेश्चन सर्वो मोटर से आपका जनरली नहीं आता है, ठीक है, अब तक तो नहीं आया। उसके बाद देखते हैं टाइप्स के बाद में, बस हल्का सा बस जान लेते हैं कि टाइप्स में क्या क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक होती है हमारे पास डीसी सर्वो मोटर, एक हमारे पास होती है एसी सर्वो मीटर। तो डीसी सर्वो मीटर्स में क्या होगा, जो डीसी है, ठीक है, जो डायरेक्ट करंट ऑपरेटेड सर्वो मीटर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, यहाँ पे जो भी एरर्स होती हैं, ठीक है, जो भी एरर सिग्नल होंगे उसको क्या करेगा, क्विकली मतलब रेस्पॉन्ड करते हैं और एसिलेट करते हैं लोड को क्विकली। तो डीसी सर्वो मोटर में हमारे पास बेसिकली चार सेपरेट कंपोनेंट्स होते हैं। डीसी मोटर होती है, गियर असेंबली होती है, पोजीशन सेंसिंग डिवाइस होते हैं और कंट्रोल सिस्टम होते हैं। तो इतना बस डीसी के लिए बहुत है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ जानकारी लेनी, ज्यादा इससे नहीं क्वेश्चन बनता। उसके बाद आपके पास आता है एसी सर्वो मोटर। तो एसी सर्वो मोटर में हमारे पास क्या होगा, जो मैग्नेटिक फोर्स है, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो परमानेंट मैग्नेट की वजह से जनरेट होंगे और जो करंट होगा वो टॉर्क को प्रोड्यूस करेगा। इसमें क्या होता है, कोई भी ब्रशेस नहीं होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो नॉइसेस और वाइब्रेशंस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। उसके बाद क्या है कि ये जो मोटर है, ये जो एसी सर्वो मोटर है, क्या करती है, हाई प्रिसीशन कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या यूज करता है, ये हाई रिजोल्यूशन एनकोडर को यूज करता है। उसके बाद यहाँ पे देखना है कि जो ये स्टेटर है, स्टेटर में क्या होता है, कोर होती है और वाइंडिंग होती है, ठीक है, कोर होती है और वाइंडिंग होती है, और जो रोटर पार्ट है इसमें क्या होती है, शाफ्ट होगी, रोटर कोर होगी और एक परमानेंट मैग्नेट आपको देखने को मिलेगी। डिजिटल एनकोडर को कैन बी ऑफ कैसे हो सकता है, या तो ऑप्टिकल टाइप हो सकता है या मैग्नेटिक टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, डिजिटल सिग्नल्स मिलेंगे जो हमारे पास शाफ्ट के रोटेशन के प्रोपोर्शन होंगे। तो आप इतना स्टडी कर लेना, मतलब इतना इसमें पढ़ लोगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी है। इतनी इन्फॉर्मेशन एसी सर्वो मोटर के लिए काफी है। बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ पे एसी सर्वो मोटर से नहीं आता है, बट कोर्स में मेंशन है तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एडवांटेजेस की। तो क्या क्या एडवांटेजेस है तो देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे सबसे पहला एडवांटेज क्या है सर्वो मोटर का, सबसे पहला क्या है कि यहाँ पे हाई इंटरमिटेंट टॉर्क होता है, मतलब हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, हाई वैल्यू ऑफ टॉर्क मिलेगी, ठीक है। और क्या लिखा है, हाई टॉर्क टू इनर्शिया रेशियो है और हाई स्पीड है। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। वेलोसिटी कंट्रोल के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है, हर साइज में अवेलेबल है, आवाज नहीं करती हैं और स्मूथर रोटेशन होता है लो स्पीड पे। तो ये इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं, एक बार आप बस स्टडी कर लेना, ठीक है, आइडिया ले लेना। उसी तरीके से हमारे पास डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि एक्सपेंसिव होती हैं, महंगी होती हैं स्टेपर मोटर से, Required turning of control loop parameter, not suitable for a hazardous environment, और इन वैक्यूम में नहीं यूज कर सकते। एक्सेस करंट होने की वजह से क्या होता है, पार्शियल डीमैग्नेटाइजेशन हो जाता है डीसी टाइप सर्वो मोटर का। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो ये भी आप एक बार स्टडी कर लेना, ठीक है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से कि हमारे पास जो एक्चुएशन वाला पार्ट है, या फिर मैं सिंपल बोलूं कि जो सेंसर और एक्चुएशन जो हम लोग इतने टाइम से चलाते आ रहे थे, वो इस लेक्चर के एंड होने से क्या हो जाएगा, आपकी जो थ्योरी है वो क्या हो गई, पूरी कंप्लीट हो गई है। तो अब आपके पास जो सेंसर है और एक्चुएशन है वो पूरा कंप्लीट हो गया है इन 15 लेक्चर्स में, ठीक है। इन 15 लेक्चर्स में पूरा सेंसर और आपके पास एक्चुएशन कवर हो चुका है। तो अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर से हम लोग अब आगे बात करेंगे, ठीक है। तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मैं आपको रिक्वेस्ट मतलब कहना चाहूंगा कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए, ठीक है, ताकि हम लोगों को सपोर्ट मिल सके और इस तरीके से हम लोग आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिशियल चीजें लाते रहें, ताकि आपको हेल्प हो सके विद फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। यहाँ पे हम लोग कोई भी चार्जेस नहीं कर रहे हैं, बस चार्जेस क्या कर रहे हैं, चार्जेस समझ लो कि इस तरीके से बोल सकते हो कि हम आपसे लाइक और शेयर वाली ही बस चार्जेस दे रहे हैं, और कोई चार्जेस नहीं है यहाँ पे। बाकी चीजें क्या हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये तो आपको दिख ही रहा है और मेटेरियल आप देख ही सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई मेटेरियल में कॉम्प्रोमाइज है, अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, क्योंकि कोई चीज हमने छोड़ी नहीं है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, ठीक है। तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, और इस सेशन के साथ आपके पास एक्चुएटर
सेंसर एंड एक्चुएटर दोनों फिनिश हो गया है, मतलब एक हमारा जो मेजर पार्ट है वो हम लोगों ने कवर कर लिया है मेकाट्रॉनिक्स का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, अपकमिंग लेक्चर में हम लोग बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोलर के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।